फिर से आ गया है कोरोना। घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। बात करते हैं अगली खबर की ओर। राशन कार्ड धारकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी कि PMGKAY को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल देश के कुछ राज्यों में रबी सीजन में गेहूं खरीद में गिरावट नजर आई है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कुछ राज्यों में गेहूं आवंटन को कम कर दिया है। साथ ही देश के कुछ राज्यों में मुफ्त में गेहूं वितरण ना देने की भी आदेश ये जारी किए गए हैं। ताजा जानकारी के अनुसार देश के 3 राज्य जैसे बिहार, केरल और उत्तर प्रदेश को PMGKAY योजना के तहत राशन धारकों को मुफ्त में गेहूं वितरण नहीं मिलेगा। सरकार ने देश के 8 राज्य जैसे दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल आदि राज्य में गेहूं वितरण का कोटा कम कर दिया है। इसके अलावा अन्य 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए गेहूं आवंटन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं जानकारी के अनुसार सरकार ने कहा है कि गेहूं की कमी को पूरा करने के लिए राशन कार्ड धारकों को चावल वितरण किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से मई से सितंबर महीने तक यानी आने वाले 5 महीनों तक देश में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में चावल और गेहूं की PMKGY आवंटन को संशोधित करने का यह निर्णय लिया गया है। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत करीब 14 लाख से अधिक गरीब परिवार के राशन कार्ड धारकों को आगामी महीने से प्रति यूनिट पर 3 किलो गेहूं के बदले 1 किलो गेहूं दिया जाएगा। वहीं 2 किलो चावल की जगह 4 किलो चावल इनको दिया जाएगा। तो ये थी बात कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी कि PMGKY के तहत कुछ राज्यों में गेहूं आवंटन को कम कर दिया गया है। तो बड़ी खबर में आज बस इतना ही, लेकिन और बड़ी खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।